और अपने ससुर जी से बात करी थी, 7 बजे बात हुई थी, क्या कह रहा था, मैं अहमदाबाद पहुंच गया हूँ। तुम नाम क्या है? ससुर जी का मैं भाई। कौन? बड़े भाई हो? हाँ। कितने भाई हो तुम लोग? 3। सबसे बड़ा कौन है? मैं। अनिल। फिर कौन है? सुनील। फिर संदीप है। क्या काम करता संदीप? संदीप काम क्या, घर पे था। अच्छा, ये कहाँ के लिए निकला था? ये अपनी ससुराल के लिए। ससुराल कहाँ इसकी है? ये नेकपुर चौरासी। नेकपुर चौरासी। किससे निकला था? बस से। बस से। क्या बताया एक्सीडेंट? क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। क्या मामला हुआ है आपके भाई से? भाई से ये मामला हुआ है, ये अपने 6 तारीख को 10 बजे निकला अपनी बहू को लेके दोज खवाने के लिए, वहाँ से छोड़ दिया। फिर वहाँ से ये कह रहा था मैं जा रहा हूँ अपने घर, मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहा है और मैं मुझे जाना है। पर रोक रहे थे, वो रुका नहीं। यहाँ से वो 6 बजे निकला है, 7 बजे मेरे ससुर जी से बात हुई, जाके मैं अहमदाबाद पहुँच गया हूँ। इतनी बात हुई, फिर उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैंने 7:15 बजे जब फ़ोन लगाया तो इसको मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। लास्ट कॉल यही बोला जाकि मेरा कोई अहमदाबाद में इंतज़ार कर रहा है, बाइक लेके गांव का है कोई, पर नाम नहीं बताया उसने। आज क्या तब तक क्या अभी तक क्या करते रहे आप? अभी तक मैंने 2 दिन तलाश करी। मैं कल भी अहमदाबाद गया था तो उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जाके आप मेरापुर करिए जाके। फिर मेरापुर गया तो मेरापुर वाले कह रहे अहमदाबाद करिए जाके। फिर मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, फिर मैंने शाम को SP के पास फ़ोन किया, तब उनने मेरी सारी बात सुनी। फिर उनने CO के पास फ़ोन करा, फिर उनने CO ने बोला जाके अब जो थाना आपके पास। अब आपकी भाई की स्थिति क्या है? स्थिति तो हमें तो एक्सीडेंट तो नहीं मालूम पड़ रहा है, मुझे हत्याघात लग रहा है, किसी ने हत्या की है। हत्या की? जी सर। थैंक यू।